हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बिया गिक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है बर्थडे केक कैंडल्स। आज हम इसे सोल्व करेंगे। यू आर इन चार्ज ऑफ केक ऑफ योर नाइसिस बर्थडे एंड हैव डिसाइडेड द केक विल हैव वन कैंडल ऑफ ईच ईयर ऑफ हर टोटल एज। व्हेन सी ब्लोज आउट द कैंडल्स सी विल ओनली बी एबल टू ब्लो आउट द टॉलेस्ट वन। योर टास्क इज टू फाइंड हाउ मैनी कैंडल्स सी कैन सक्सेसफुली ब्लो आउट। फॉर एग्जाम्पल, If you are nice is turning 4 year old and the cake will have 4 candles of height 4, 4, 1, 3, she will be able to blow 2 candles successfully since the tallest candle are of height 4 and there are 2 such candles. Basically, एक बर्थडे है उसमें हमें केक में कैंडल्स लगानी है। जितनी जितनी एज उसकी है, लेट्स से उसकी एज 4 year है तो हमें 4 candles लगानी है और जो कैंडल्स हैं उनका साइज डिफरेंट है तो बेसिकली जब वो उसे ब्लो करती है तो वो उन्हीं कैंडल्स को ब्लो कर सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट वाले हैं, जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कितनी कैंडल्स की हाइट मैक्सिमम है। लेट्स से वो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ उन्हें, ईयर 4 years की है तो उसके पास जो उसका केक है उसमें 4 candles होंगी और उन्होंने हाइट बताई हुई है 4, 4, 1, 3 जो कैंडल्स की हाइट है और वो उसमें से 2 ही ब्लो कर सकती हैं क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट है वो 4 है और 4 हाइट की 2 candles हैं तो वो 2 candles ब्लो कर सकती है और हमें यही प्रिंट कराना है। इसके बाद में इनपुट फॉर्मेट है, द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एंड डोनेटिंग द नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक। बेसिकली कितने ईयर की है वो और कितने, मतलब जितनी ईयर की है उतनी ही कैंडल्स रखेगी वो अपने केक के अंदर। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर आई डिस्क्राइब द हाइट ऑफ कैंडल आई। इसके बाद में एक नेक्स्ट लाइन है, उसमें एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होंगे जिनमें के अंदर हाइट होगी। इसके बाद में एक दे रखा है इन्होंने, जो हमारा एन होगा उसकी लेंथ होगी 10^5 से 1 के बीच में और हमारा जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है जो कैंडल्स की हाइट है, ये बेसिकली जो एरे दिया हुआ है मैं कैंडल्स की हाइट को ही मैनेज करने के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर वो 10^7 तक ले सकते हैं और हमें इसमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा 30-bit का ऑपरेटर होता है उसकी जो उसके अंदर हम इनपुट करा सकते हैं वो 10^5 तक ही करा सकते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है बट 3, 2, 6, 7, 9 कुछ ऐसा होता है। इसके बाद में हम लॉन्ग इंटीजर ले लेंगे इसके लिए। फिर आउटपुट फॉर्मेट है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैंडल्स डेट कैन बी ब्लो आउट ऑन अ न्यू लाइन। और हमें अगली लाइन में प्रिंट करा देना है कि कितनी कैंडल वो ब्लो करती है। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ कैंडल्स 4 हैं, इसके बाद में 3, 2, 1, 3 ये उनका साइज़ है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ है वो 3 है और 3 साइज़ की यहाँ पे 2 candles हैं तो हमें 2 प्रिंट कराना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इनपुट कराएंगे, फिर एक एरे इनपुट करा देंगे, फिर एरे में चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम साइज़ कितना है और फिर चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम साइज़ की कितनी हमारे पास कैंडल्स हैं। इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर हम उसे प्रिंट करा देंगे कितनी हमारे पास कैंडल्स हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, अपना इंट मेन फंक्शन, इंट मेन बेसिकली मेन फंक्शन, देन अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ले लेते हैं n। इसके बाद हम इसे स्कैन कराएंगे, सबसे पहले स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑपरेटर एन। इसके बाद में हम डिक्लेयर करेंगे अपना एक एरे जो कि होगा लॉन्ग इंट, हम यहाँ पे इंट यूज़ भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं वो लॉन्ग से हमारा समझ जाता है। एरे होगा साइज़ हमारा एन का एंड इसके बाद में हमें क्या कराना है, सबसे पहले अपनी फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप लगाएंगे, एक इंटीजर लेंगे आई इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू हमारी लेस देन होगी हमेशा एन के एंड हम आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद में हमें बेसिकली अपना स्कैन कराना है एरे स्कैन एफ परसेंटाइल लॉन्ग डी एंड देन एड्रेस ऑपरेटर एरे के आईथ एलिमेंट में हम वैल्यू डाल देंगे जो हमने स्कैन कराई है। इसके बाद में हमें अब चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सा है, इसमें से मैक्सिमम हाइट कौन सी है, एरे जो हमारा है इसमें मैक्सिमम हाइट कौन एक्सीड करता है। तो इसके लिए भी हम एक इंटीजर ले लेते हैं, वो भी लॉन्ग ही लेंगे क्योंकि
जो हमारा एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लॉन्ग के अंदर ही लाई करेंगे, जो लॉन्ग की रेंज होती है। लॉन्ग मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्स के लिए जो हमें मैक्सिमम निकालना है उसके लिए मैक्स ले लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, मैक्स में जो बेसिकली हमारा होता है कि किसी जो एरे से उसका मैक्सिमम निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं। ए नाम का एरे है, उसके जीरोथ इंडेक्स को मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम है। इसके बाद में क्या करेंगे, अपना फोर लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू को ज़ीरो करेंगे, आई की वैल्यू होगी लेस देन एन, और हमें यहाँ पर उसे वापस से डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि जो इसका स्कोप है वहाँ पर ही ख़त्म हो गया था। जो हमारा आई था उसका स्कोप इस वाली लाइन तक ही था, बट हम वापस से करेंगे तो उसका स्कोप हमें दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्कोप ख़त्म हो गया था, इसलिए हमें वापस से डिक्लेयर किया है। एंड आई को इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में हम चेक करते हैं इफ़ कंडीशन लगा के, इफ़ अगर हमारा मैक्सिमम छोटा है हमारे एरे के आईथ एलिमेंट से तो हमें क्या करना है, मैक्स में वैल्यू डाल देनी है एरे के आईथ एलिमेंट की, और इतना काम करने के बाद हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक काम करना है, हमें चेक करना है कि मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं, कितने कितने जो हमारी कैंडल्स हैं उनका साइज सेम है। जो सबसे मैक्सिमम वाली कैंडल तो हमें मिल गई, लेट से इस वाले में जो ये वाला हमारा एग्जांपल था इसमें हमें मिल गया कि तीन मैक्सिमम है। अब हमें ये भी देखना है ना मैक्सिमम कितने हैं, तीन कितनी वैल्यूज़ हैं, तीन जो है ये टू टाइम्स आया, हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइम्स आया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली एक इंटीजर ले लेते हैं, लॉन्ग ही कर लेते हैं ऐसे, ऐसा ना हो कि सभी जितनी भी हमारी कैंडल्स हैं वो सेम ही साइज़ की हों, वो एक कंडीशन बाद की बात है, वो तो देखते हैं। लॉन्ग ले लेते हैं, इसमें एक एक्स नाम से ले लेते हैं, सी नाम से ले लेते हैं, कैंडल होंगी तो सी नाम से ले लेंगे। इसको हमने इनिशियलाइज कर लेते हैं जीरो पे, क्योंकि जीरो पे इसमें हम काउंट करेंगे, तो जब हम काउंट करते हैं किसी चीज़ में तो उसे हम जीरो पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसके अंदर वो गार्बेज वैल्यू होगी और गार्बेज वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और गार्बेज वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करे से कोई मतलब है नहीं। तो हम करेंगे, ये हमने डिक्लेयर कर लिया है, इसके बाद हम फोर लूप लगाते हैं, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आई की वैल्यू लेस देन, फिर हमें आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा कॉज ऑफ इट्स स्कोप, आई की वैल्यू लेस देन एन होगी, आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो एरे का आईथ एलिमेंट है अगर वो इक्वल है किसके, मैक्स के। अगर वो मैक्स के इक्वल है तो हम अपने सी को इंक्रीमेंट करा देंगे एंड देन हमें वैल्यू मिल जाएगी, और हमें प्रिंट भी सी की वैल्यू ही करानी है। इसके बाद हम करा देंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल लॉन्ग डी एंड देन अपना सी, अपना काम कंप्लीट हो चुका है। रिटर्न करा देते हैं इससे ज़ीरो को एंड दैट्स डन। ओके, आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जो हमें यहाँ पे बार बार हमें आई को डिक्लेयर करना पड़ रहा था, अगर हम आई को ऊपर ही डिक्लेयर कर देते तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती। इसके लिए हमने देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप जैसा आप करना चाहो, कोई इशू नहीं है। रन करा के देखते हैं कोड को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और आपको अगर इस जो हमारी पर्टिकुलर ये प्रोग्राम है इसका फोटो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे सोल्व करता हूँ उन सभी के फ़ोटोज़ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हैकर रैंक से रिलेटेड तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और आप उससे पहले मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई हो पहले। आप मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, sp-singh3004-2002। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।